वैसे तो जनवरी का महीना सर्दियों के लिए जाना जाता है, जब ठंड के तेवर अपने पूरे शबाब पर होते हैं। मगर इस बार तो मानो मौसम ने थर्ड डिग्री टॉर्चर की प्लानिंग कर रखी है। शनिवार को दिल्ली में 3.6 डिग्री पारा था, मगर रविवार को तो मौसम विभाग ने कोल्ड डे की वार्निंग तक जारी कर दी। रेड अलर्ट पहले से जारी किया हुआ है, ऊपर से कोहरे ने विजिबिलिटी शून्य कर रखी है। तापमान है कि चढ़ने का नाम नहीं ले रहा। सूर्य देव के दर्शन तो भूल ही जाइए, क्योंकि मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स की माने तो रविवार को हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ों पर बारिश होगी, जिसका सीधा मतलब है आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में सर्दियों का सितम पूरे शबाब पर रहने वाला है। यही नहीं, इस दौरान तापमान में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, क्योंकि शनिवार को रात का तापमान 3.6 डिग्री था। दिन में चढ़ते चढ़ते भी यह 14 डिग्री तक ही पहुंच पाया। मगर रविवार की भविष्यवाणी के मुताबिक आज भी दिन में सर्द हवाएं चलेंगी। तापमान भले 15 डिग्री तक चढ़ जाए, मगर दिल्ली वालों को ठंड से जरा भी राहत नहीं मिलने वाली। यही हाल उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार का भी है। उधर राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के शहर भी भयंकर ठंड की चपेट में है। ऊपर से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर रखी है कि जनवरी की 26 तारीख तक सर्दियां कहर ढाएंगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उत्तर के पहाड़ों से आती बर्फीली हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ। वैज्ञानिकों की माने तो जनवरी के तीसरे हफ्ते में ठंड का टॉर्चर होने वाला है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री के भी नीचे पहुंच जाएगा। पहाड़ों पर पहले ही बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी 16 और 17 जनवरी को बारिश की चेतावनी है, जो संकेत दिल्ली वालों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही शनिवार को हवा की रफ्तार आम दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इसके चलते दिन भर ठिठुरन तो रही ही, रात को लोगों को जाड़े की असली ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और गिरावट आएगी। यूपी के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।